नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज़। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर आ रही है। सरकार से अन्वेषकों ने लगाई नियमित कर की गुहार। साथियों, हम आपको बताएंगे क्या कुछ खास है बेसिक शिक्षा विभाग समाचार में। अन्वेषक शिक्षा मित्रों के लिए हम पूरा विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे, एक एक करके बारी बारी से वो सारी हाइलाइट्स न्यूज़ जो कि विशेषकर अन्वेषक एवं शिक्षा मित्रों से संबंधित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। साथियों, जैसा कि कहा गया है, दो महान आदर्श व्यक्तियों में मतभेद हो सकते हैं परंतु मनभेद कभी नहीं। अखिलेश जी एवं योगी जी ने एक विनम्रता पूर्वक आवेदन के जो कि एक सीख है। अन्वेषकों के कई संगठनों ने बेसिक शिक्षा मंत्री जी को बधाई दी, साथ ही अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया। शिक्षा मित्रों ने सरकार पर भरोसा जताया, कहा योगी मोदी सरकार संविदा कर्मियों को अवश्य कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी विनम्रतापूर्वक एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं, पक्ष और विपक्ष। ये बड़ी सीख देता है हम सभी के लिए। यहाँ पर बताना चाहेंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को उनके पद के लिए बधाई दी और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्वेषक लीडर शिक्षा मंत्री जी के लिए पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए और हाथ जोड़कर अपने निवेदन करते हुए। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हुए अन्वेषकों के मुखिया, और यहाँ पर एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें अन्वेषक लीडर वैश्विक शिक्षा मंत्री जी के लिए पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए उनको बधाई देते हुए उनके पद के लिए एवं अपनी ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए अन्वेषकों के भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, लखनऊ उन्नाव, आज लखनऊ निजी आवास पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से संघ ने मुलाकात कर बधाई दी, जिसमें मंत्री जी से अन्वेषक शिक्षकों की चली आ रही कई समस्याओं से अवगत कराया। उन पर वार्ता भी हुई जिसमें मंत्री जी ने पूरा सहयोग समर्थन देने को कहा। प्रथम वरीयता में सम्मानजनक वेतनमान दिलाने का कार्य करेंगे। मंत्री जी ने अन्वेषक शिक्षकों को आशीर्वाद दिया कि जल्द आप सभी की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष शशांक मिश्रा जी ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी का इसके लिए आभार प्रकट किया और 2022 में नई शिक्षा नीति में अन्वेषकों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। साथियों, मैं इसी सत्र का तक आपके साथ हूँ, हमेशा संघर्ष करने रहूँगा, लेकिन हमें कुछ और करना है, ईश्वर की मर्जी है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। यहाँ पर संकेत दे रहे हैं वो कि मैं एक ही सत्र तक आपके साथ हूँ, लेकिन आपके भविष्य के लिए कुछ करते रहना है। एक नई सोच, एक नए विचारों के साथ ही कार्य हो सकता है। सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना ही हम सभी के लिए अच्छा। अन्वेषक एकता एक जिंदाबाद। आज उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय संदीप सिंह जी संजू भैया को बेसिक शिक्षा मंत्री बनाए जाने पर हिमांशु वर्मा जी ने शानदार मुलाकात कर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हो जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे चैनल ने ली है और ये वायरल हो रही हैं। अन्वेषक शिक्षा मित्र ग्रुप में या कह सकते हैं शिक्षा विभाग के समस्त ग्रुपों में ये फोटोज़, ये समाचार वायरल हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर हिमांशु वर्मा जी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को मुलाकात करते हुए और उनका ध्यान आकर्षित करते हुए अन्वेषकों की तरफ। यहाँ पर आप एक और तस्वीर देख सकते हैं, उन्होंने पटका भेंट किया है, पहनाया है उनको जय श्री राम का। हिमांशु वर्मा जी ने भी शिक्षा मंत्री जी के लिए भेंट किया है, ये पटका आप देख रहे हो गले में पड़ा हुआ, और अपने अन्वेषक भाई बहनों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। कह सकते हो ये क्रांतिकारी शुरुआत हुई है, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। तुरंत गर्मजोशी से स्वागत किया गया है वे शिक्षा मंत्री जी का अन्वेषकों के द्वारा। यहाँ पर एक और समाचार है। प्रिय अन्वेषक साथियों नमस्कार, कार्यपालिका न्यायपालिका साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नए सरकार में नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है जिसका हम सबको इंतजार था। चूंकि पिछले सत्र में स्थानांतरण का आदेश संगठन द्वारा कराया गया था, लेकिन लगभग 24 से 25 जनपदों में स्थानांतरण की कार्यवाही संबंधित जनपद के जिला विशेष शिक्षा अधिकारी के सभी
के वजह से पूरी नहीं हो सकी, जिससे वो जनपद स्थानांतरण से वंचित हैं। कुछ जनपदों में जहाँ स्थानांतरण हुए भी हैं, प्रत्यावेदन के आधार पर लंबित हैं। संगठन प्रसरत है कि जल्द ही पुनः समस्त जनपदों के लिए स्थानांतरण का आदेश कराया जाए, जिससे स्थानांतरण से वंचित जनपदों सहित प्रत्यावेदन या जो इस विद्यालय समय परिवर्तन चाहते हैं सबको लाभ मिल सके। प्रयास ये भी है कि मुख्यमंत्री जी द्वारा जो बढ़ोतरी 2000 की घोषणा हुई थी चुनाव से पहले, वो भी शासनादेश होकर भुगतान शुरू हो सके। साथियों, मैं अभी कोई पोस्ट नहीं डालना चाह रहा था, सोचा था कुछ आदेश करा कर अवगत कराऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ अपने अन्वेषक भाई बहन एक दूसरे पर छींटाकसी कर रहे हैं। कोई स्थानांतरण हेतु मांग पत्र प्रेषित कर रहा है, अपने व्यक्तिगत ईमेल आईडी पर भी मेल मंगाया जा रहा है। जो कुछ लोग जिनका याचिका से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग न्यायपालिका कोर्ट के केस के नाम पर आर्थिक शोषण पर उतारू हो चुके हैं, जिससे मजबूरन बस सोशल मीडिया के माध्यम से आना पड़ा। मेरा सभी अन्वेषक भाई बहनों से आग्रह है, कोई भी किसी भी व्यक्ति को कोई मेल ना करे, कोई पैसा ना दे, ये जागरूक किया गया है संगठन के माध्यम से। यहाँ पर साथियों बताना चाहेंगे कि पोस्ट कि किसी पोस्ट के बहकावे में ना आए, आर्थिक शोषण से बचें। संगठन को कोर्ट केस हेतु आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होगी तो पोस्ट व जिलाध्यक्षों कार्यकारिणियों के द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। मैं पुनः आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि मानदेय 17,000 हम सबको मार्च 2017 से मिलकर रहेगा, या ये ज़रूर है कि न्यायपालिका में समय ज़्यादा लग गया है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। सिंगल बेंच हम सब जीत चुके हैं, डबल बेंच भी हम सब के पक्ष में है। न्यायपालिका की अपनी प्रक्रिया होती है जिसमें बहुत दबाव नहीं बनाया जा सकता। कुछ साथियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप कराकर हाई कोर्ट डबल बेंच को जल्द फाइनल कराने हेतु परामर्श दिया गया है, जिस पर बातचीत चल रही है। आवश्यकता महसूस होने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा टाइम बाउंड कराया जाएगा। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें। यहाँ पर शिक्षा मित्रों समेत एक और बड़ा समाचार ये आ रहा है, योगी जी के राज में शिक्षा मित्रों को अच्छे दिन की आस लगाए बैठे हैं। उम्मीद है 22 सालों से कराहती शिक्षा मित्रों की 3 पीढ़ियाँ मानवीय जीवन जीने की लगाई योगी सरकार से गुहार। साथियों, चित्रकूट से एक समाचार पत्र ने इसको जगह दी है। वीरो से सूबे में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने पर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थित प्राथमिक विद्यालय में गत 22 सालों से न्यूनतम मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्रों में खासा उत्साह है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में एक मजदूर की दिहाड़ी से भी कम पारिश्रमिक पाने वाले लगभग 2.25 लाख परिवार प्रदेश की लोकप्रिय और रोजगार परक सरकार पर भरोसा जता रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं वन पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सरकार उनके सुने सपनों को साकार करेगी, उनकी 3 पीढ़ियों को मानवीय जीवन जीने का अधिकार देने का ऐतिहासिक कार्य करेगी। इसी क्रम में वरिष्ठ नेता सर्वेंद्र यादव विद्रोही ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बुरे दिन परवर्ती सरकार की देन है, किंतु अब उन्हें योगी राज में अच्छे दिनों की आस है। गौरतलब है कि पिछले 22 सालों में कितनी ही सरकारें आईं, किंतु किसी ने इनके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के बारे में कभी नहीं सोचा। उल्टे राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में उनके जीवन को फुटबॉल बनाकर रख दिया। जब भी जिसका भी दिल चाहा वोट लिया, इस्तेमाल किया और मतलब निकल जाने पर लात मार दिया। कभी किसी सत्ताधारी दल ने ये नहीं सोचा कि गांव गरीब किसान के इन गरीब शिक्षा मित्रों पर भी मुसीबत है, उनके परिवार पर समस्याएं हैं, उनके परिवार के साथ जिनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाने पर आर्थिक तंगी से बेहाल युवक असमय मौत को गले लगा लेते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं रोता बिलखता परिवार। क्या कभी इनके भी पांवों पर मरहम लगाने का
किसी ने सोचा इनके घावों को, इनके जख्मों को मरहम लगाने का किसी ने सोचा आखिर कब? क्योंकि लगभग 80% शिक्षा मित्र अपनी जिंदगी 50 साल पार कर चुके हैं। ऐसे में योगी सरकार से राजनैतिक दृष्टिकोण छोड़कर मानवीय दृष्टिकोण, इनके भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। सरकार समूचे समाज की होती है, किसी व्यक्ति जाति धर्म विशेष की नहीं होती। ऐसे नहीं कि जिनके वोट दिया हो वो सरकार उसी का काम करेगी। हाँ, यदि कोई समुदाय भटक गया है तो उसे रास्ते मिलाने के लिए समस्या को हल करना ही बुद्धिमानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को समस्याओं पर ध्यान देंगे, सभी की समस्याओं को ध्यान करके उनको समाधान करेंगे। सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य पर सरकार आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की यही कामना है। इसी तरीके से अनुदेशकों ने भी गुहार लगाई है साथियों कि हम सबको सरकार के साथ, सरकार का साथ देना चाहिए और अपनी समस्याओं को हल कराना चाहिए। साथियों, ये थी अब तक की खास खबर। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।